कौन बनेगा बिहार में मुख्यमंत्री, इस पर क्या कहता है सर्वे और क्या आंकड़े बन सकते हैं? जहां दोस्तों अगर बात करें तो बिहार में किस सरकार के आंकड़े यहां पर बन सकते हैं, देखिए एलजेपी का यहां पर बड़ा कदम है और इस कदम से कहीं ना कहीं बीजेपी को झटका लग सकता है और बिहार में चुनाव से पहले लोगों का दिल जीतने के लिए एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने ये बड़ा काम किया है क्योंकि उन्होंने अपना यहाँ पर पार्टी अब युवा बिहारी चिराग पासवान के नाम पर ये पार्टी चलेगी, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं लेकिन इससे पहले काफी बड़ी अहम जानकारी यहाँ पर आ रही है। क्या नीतीश मोदी अब साथ रहेंगे, इस पर भी सर्वे किया गया है। 64% लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी सरकार साथ रहने वाले हैं जबकि 36% लोग ये मानते हैं कि नहीं। अगर एनडीए में सीटों का जो आंकड़ा बन रहा है, सीटों में गड़बड़ी आती है तो फिर बड़ी यहां पर खलबली भी हो सकती है और बीजेपी अलग चुनाव लड़ सकती है तो यहां पर नीतीश कुमार गठबंधन में जा सकते हैं, ऐसी भी खबरें यहां पर सामने आ रही हैं क्योंकि एलजेपी ने साफ कर दिया है कि जिस प्रकार से एनडीए को नुकसान हो रहा है इससे पहले जो चुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं धारा 370 हो या यहाँ पर सीए का भी विरोध किया गया, इसके बाद अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी बिहार में यहाँ पर चुनाव लड़ेगी, सभी यहाँ पर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसकी भी यहाँ पर जानकारी आ रही है। के अलावा अगर बात की तो बीजेपी यहाँ पर साफ तौर पर अभी भी कह रही है कि वो यहाँ पर नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन यहाँ पर अगर एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें तो सीएम पद के लिए नीतीश से बड़ा चेहरा नहीं, ऐसा यहाँ पर जीतन मांझी का मानना है क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें तो एनआरसी और सीए पर ये बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। एनआरसी और एमपीआर पर यहाँ पर जेडीयू के रुख से बीजेपी परेशान नजर आ रही है और जिस प्रकार से तेजस्वी यादव से बार बार यहाँ पर नीतीश कुमार मिल रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी चिंता में नजर आ रही है। इससे पहले महाराष्ट्र में भी इस प्रकार की खबरें सामने आई थी और महाराष्ट्र में जिस प्रकार की सरकार बनी है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी चिंता में है क्योंकि एनडीए को जबरदस्त नुकसान अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो बिहार में चुनाव 5 चरणों में होगा और पहला चरण जो है अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। अगर बात करें तो बिहार में एक और बड़ा यहाँ पर चेहरा जो कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है वो है अजहरुद्दीन ओवैसी, वो भी चुनावी मैदान में होंगे और कहीं ना कहीं आरजेडी कांग्रेस या अन्य दल का कितना नुकसान वो कर सकते हैं। बता दें कि बिहार में मुस्लिम आबादी 17 से 20% यहाँ पर हो चुकी है और यादव वोटर्स जो है वो लगभग 15% वोटर्स यहाँ से आते हैं तो बिहारी और यहाँ पर मुस्लिम आबादी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। अगर 243 में से अगर बात करें तो 60-70 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हो सकते हैं। अब ये 60-70 सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन अगर बात करें तो बिहार में अब जो है हर दिन नया यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अब पोस्टर बार हो या फिर समीकरण गठबंधन की अब रणनीति है वो तैयार होने लगी है। 243 में से अगर बात की तो 122 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है, लेकिन खबर यहां पर निकल के सामने आ रही है आरजेडी यहां पर तेजस्वी यादव के साथ यहां पर नीतीश कुमार बार बार यहां पर मुलाकात कर रहे हैं यहां पर सीए एनआरसी को लेकर, तो क्या होने वाला है ये आने वाले वक्त बता देगा। लेकिन अगर बात करें तो बिहार में जो यहां पर सर्वे किया गया है उसके आंकड़े क्या बन सकते हैं, देखिए गठबंधन की बात करें तो अन्य दलों के साथ महागठबंधन यानी कांग्रेस और आरजेडी का हिस्सा होगा, ऐसा लोग मानते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल आरजेडी सीट शेयरिंग में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी यहां पर बन रही है और 12% लोगों को मानना है और आरजेडी इंटरेस्टेड है ऐसा 20% लोग मानते हैं, जबकि महागठबंधन में केवल दो ही पार्टी रहेंगी जिसमें आरजेडी कांग्रेस का हिस्सा होगा 68% लोग मानते हैं। इसके अलावा अगर बात की तो कौन बिहार में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री उम्मीदवार हो सकता है इस बार, लोगों का मानना है ऐसा, नीतीश कुमार यहाँ पर 23%, जबकि तेजस्वी यादव को 60% लोग मानते हैं, सुशील यहां पर मोदी के लिए 10%, तो तेज प्रताप यादव को 2% लोग मानते हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब संभावित आंकड़े क्या बन सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें आरजेडी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी, 90 सीटें उनको जा सकती है, बीजेपी को 50 सीटें तो यहाँ पर जेडीयू को 60 सीटें तो कांग्रेस 30 सीटों पर सिमट सकती है, एलजेपी को 2 सीटों यहाँ पर आ सकती है और अन्य के खाते में 8 सीट यहां पर आ सकती हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बहुत जल्द इसके लिए जो है नए आंकड़े भी यहां पर सामने निकलेंगे क्योंकि गठबंधन अब किस वक्त भी हो सकता है, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी में जा सकती है, इस पर बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कौन सा गठबंधन सबसे अच्छा होगा वो भी अपनी राय रखिए और किस गठबंधन को कितनी सीटें जा सकती हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।